नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यू के अंदर स्वागत है। दोस्तों, फैमिली पेंशन के लिए बड़ी खबर आई है। पेंशन रूल 54 के अंदर बदलाव कर दिया गया सरकार की तरफ से। फैमिली पेंशन को सीधा 30% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। बाकी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दोस्तों दी जाएगी, क्या क्या आदेश बदली हुए हैं। और पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, आने वाले समय में आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबा लें और बेल आइकन आ रहा उसको दबा लें। दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आने वाली वीडियो आप हमारी सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आखिरकार दोस्तों, जो एनहेंस फैमिली पेंशन के रेट है 30% से 50% हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने रूल नंबर 54 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 का दोस्तों ये चेंज कर दिया, उसमें बदलाव कर दिया। इसकी जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 23 सितंबर 2019 को दे दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है भी रूल नंबर 54 क्या है। दोस्तों, रूल नंबर 54 के तहत ये सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 का रूल नंबर 54 है, जिसके तहत दोस्तों अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सरकारी नौकर की अगर मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उसकी फैमिली को पेंशन एंटाइटलमेंट थी ग्रांट की जाती थी इस रूल के तहत। तो इसके जो रेट थे दोस्तों, जो पेंशन के 50% उसकी लास्ट पे ड्राउन यानी कि अगर जो सरकारी नौकर की जितनी तनख्वाह बनती थी उसकी 50% बराबर के तक उसकी जो एनहेंस रेट मिलते थे, जो कि पहले 10 साल के लिए मिलते थे और उसके बाद 30% इसको कर दिया जाता था। मगर ये जो सुविधा उनको लागू थी जिनकी जो केंद्रीय कर्मचारी या गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिनकी सर्विस कम से कम 7 साल होती थी, मगर जिसकी 7 साल से दोस्तों जो अपना सर्विस कम थी उनको ये रेट नहीं मिलते थे। उनको केवल उनकी फैमिलियों को जो केवल और केवल 30% लास्ट पे का दिया जाता था, जो कि बहुत कम पेंशन मिलती थी, एनहेंस रेट बहुत कम थे। तो एक तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों उसकी सैलरी कम होती है नए वाले की, और उल्टा उसकी जो एनहेंस रेट पेंशन के 30% होते थे ना के 50%। तो अभी जो गवर्नमेंट ने दोस्तों इसके ऊपर दोबारा से इन्होंने मतलब के महसूस किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिखा था, गवर्नमेंट फेल्ट दैट नीड फॉर फैमिली पेंशन एट एनहेंस रेट इज मोर देन इन अ केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाई इन अर्ली इन हिज कैरियर। जो एक बंदा केंद्रीय कर्मचारी है या गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, वो अगर जल्दी मर जाता है 7 साल की सर्विस के दौरान, तो उसको भी जो बड़े हुए जो पेंशन का रेट है वो मिलने चाहिए। और उसी के लिए अमेंडमेंट यहाँ पे की गई है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, हु डाइज विद इन द 7 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, जो 7 साल के अंदर जो गवर्नमेंट नौकर की अगर डेथ हो जाती है, विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन एट एनहेंस रेट ऑफ 50% ऑफ लास्ट पे ड्रान फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। उसको 50% अभी उसको 30% से बढ़ा के 50% कर दिया गया, जो पेंशन बढ़ी हुई पेंशन का रेट, और जो कि पहले 10 साल के लिए दोस्तों उसको दिया जाएगा उसकी फैमिली को। और ये इसकी जो लागू होने की डेट है वो 1 अक्टूबर 2019 से लागू है। जो इससे पहले के केस हैं उनको भी मिलेगी, और जो इसके बाद कहीं किसी की डेथ वगैरह हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनको भी जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद उनको 50% रेट मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों फैमिली पेंशनर के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी जो दी है पसंद आई होगी। दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दिया करें और एक अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें व्हाट्सएप फेसबुक पे, ताकि उनको भी इस जानकारी का बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।